हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट बेसन की बर्फी की रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है, आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस कप के हिसाब से मैं 1.5 कप यहाँ पर बेसन को डाल दूंगी। बेसन को हम बिल्कुल धीमी आँच पर भूनेंगे, इनको जब तक इनमें सोनापन ना आ जाए तब तक हम इन्हें भूनेंगे। बेसन को बिल्कुल भी तेज आंच पर नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये कहीं पर कच्चा कहीं पर जला हुआ हो जाएगा। इन्हें हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। करीब 1 मिनट मैंने बेसन को भून लिया है, इनमें सोनापन आ गया है। अब मैं इसमें 1 कप, उसी कप के हिसाब से मैं 1 कप घी को डाल रही हूँ। ये देसी घी है, शुद्ध देसी घी। इन्हें मिलाते हुए और चलाते हुए भून लेंगे। हमें तब तक इन्हें भूनना है तब तक हमारे किचन में अच्छी सी खुशबू न फैल जाए। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और मेरी रेसिपी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, अब इस इनमें से अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है। एक और तरीका है इन्हें जांचने का, आप थोड़ा सा पानी का छींटा मार के भी देख सकते हैं। अगर इसमें अच्छा सा बबल आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बेसन की बर्फी अच्छी तरीके से भून चुका है। ऐसे भी फ्रेंड्स, इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, इन्हें बस खुशबू आने तक ही भूनना है। ये भून के तैयार हो गया है। चलिए चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने उसी कप के मेजरमेंट से 2 कप यहाँ पर मैं चीनी को डाल दूंगी। उसी कप से मैं 1 कप पानी को यहाँ पर डाल दूंगी। 2 कप चीनी को मैंने लिया है, तो 1 कप पानी को डाल के इनका चाशनी अच्छी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी को हमें बस 1 से 1.5 तार तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा बेसन की बर्फी एकदम कड़ा सा हो जाएगा, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आप इसकी जो भी तरीका है उसे आप सीख लेंगे, इस बर्फी को बनाने का तरीका तकनीक, तो आपको है ना अच्छी तरीके से सुपर सॉफ्ट बर्फी आपको आ जाएगा बनाने के लिए। आप आसानी से घर में बना करके इस बर्फी को खा सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ, ये 1 से 1.5 तार तक का ये बन चुका है चाशनी। अब मैं इसमें कूटा हुआ, मैंने 5 इलायची को कूट के पहले से रख लिया था। अब मैं इसका पाउडर को मैं डाल दूँगी, इनसे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा बर्फी में। मैंने बर्फी को साइड में रख दिया था, बेसन की बर्फी को। अब मैं इसमें चाशनी को मैं डाल करके फिर से पका लूँगी। इन्हें चलाते रहेंगे, चाशनी को और बेसन को अच्छी तरीके से मिला करके हम पका लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और घर की तो मिठाई वैसे भी बाज़ार की मिठाई से अच्छी होती है और शुद्ध बनती है। बाहर के मिठाई तो मिलावट वाले रहते हैं, आप घर में अच्छी तरीके से इसे शुद्ध बना करके खा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको अगर पता नहीं चलता है कि हमारा बर्फी बन के रेडी हुआ है कि नहीं, आप साइड में इसे एक प्लेट में निकाल करके थोड़ा सा आप जांच कर सकते हैं। अगर ये गोल आकार का बन जाए, जमने के आकार का, तो आप समझ जाइए कि हमारा बर्फी बन के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं। अब मैं इसे एक जमाने वाला प्लेट में मैंने ट्रे में ले लिया है, इसे ढाल के अच्छी तरीके से मैं जमा दूँगी। देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी देर तक
बस आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे बाहर में 1 घंटे के लिए जमने के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैंने थोड़ी देर तक फ्रिज में रखा है, देखिए बिल्कुल जम चुका है। कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है देखने से ही पता चल रहा होगा आपको। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इसे इसी तरीके से घर में बना करके ट्राई कीजिए। आपको बाहर की बर्फ़ी खाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर में बहुत ही शुद्ध बना करके इस रेसिपी को खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये सूखने के बाद ऐसा हो गया है, देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं, मैंने इस तरीके से सजाया है। थोड़ा सा नट्स को मैंने डाल के काट के सजाया है, आपको जैसा लगे वैसा आप सजाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।